दिल्ली हिंसा पर आधी रात को हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। आपको बता दें, दिल्ली हिंसा में घायलों की सुरक्षा और इलाज पर हुई ये सुनवाई है। रात करीब 12:30 पे जस्टिस मुरलीधर के घर ये सुनवाई हुई है। तो आपको बता दें, हाईकोर्ट ने घायलों को बड़े अस्पतालों में शिफ्ट करने के निर्देश दिए हैं। हाईकोर्ट का कहना है कि हाईकोर्ट ने मरीजों पर दिल्ली पुलिस से स्टेट्स रिपोर्ट मांगी। दोपहर 2:15 पर हाईकोर्ट दोबारा सुनवाई करेगा इस पूरे मामले पर। तो आपको बता दें, बड़ी खबर है, देर रात हाईकोर्ट ने सुनवाई की है और घायलों की सुरक्षा को लेकर उन्होंने बात की है। उन्होंने कहा है कि घायलों को अच्छे अस्पतालों में शिफ्ट किया जाए। तो वहीं जो जस्टिस है, उन्होंने पुलिस से स्टेटस रिपोर्ट भी मांगी है और आज दोपहर 2:15 पर फिर से सुनवाई होनी है।